तो मुझे मेरी विटामिन B12 की रिपोर्ट मिल गई है एंड इट इज़ लो एंड दैट इज़ आई हैव बीन फीलिंग द वे आई हैव बीन फीलिंग वेयर आई फील कि बस द एंटायर वर्ल्ड इज़ आउट टू गेट टू मी एंड बस लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, लाइफ होपलेस है और पूरा दिन बस बेड पे पड़े रहो। ये सब विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो आई एम बॉर्डर लाइन लो एंड लास्ट जब मैंने चेक किया था इट वॉज 500 समथिंग एंड राइट नाउ इट इज़ 300 समथिंग। तो भाई का सस्पिशन सही निकला कि इट इज़ बिकॉज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी दैट आई एम फीलिंग द पेन ऑल्सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ माई फेस एंड आई एम वेटिंग फॉर माई फॉलिक एसिड रिपोर्ट टू कम। और एक बार वो आ जाती है तो फिर भाई से मैं दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन लेके आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट। ऑल्दो आई हेट पॉपिंग पिल्स, आई डोंट लाइक टू पुट एनी एलोपैथिक मेडिसिन इन माई बॉडी एक्सेप्ट इंसुलिन, लेकिन इंसुलिन क्या तो मुझे उसके बगैर तो गुजारा नहीं है मुझे। 1, 2, 3, 4, 5 इतनी आदत हो गई है ना अभी इंजेक्शन लेके खाना खाने की कि आई कैन मूव अराउंड वाइल आई टेक द इंजेक्शन। वेल दैट्स नॉट द राइट वे बट आई एम जस्ट सेइंग दैट आई एम नो लॉन्गर स्केयर्ड ऑफ नीडल्स। या फिर जैसे मैं पहले आंखें बंद कर लेती थी, पहले इनिशियली तो जब डिटेक्ट हुआ था तो मैं खुद इंजेक्शन ले नहीं पाती थी, आई हैड टू टेल रोहित टू डू दैट फॉर मी एंड नाउ इट इज अ किक वॉक। इट्स डन, नाउ आई हैव टू वेट फॉर 20 मिनट्स। तब तक मैं जाके नहा लेती हूँ। आज सब लेट हो गया, पता है 3 बज रहे हैं और मैं अभी तक नहा ही नहीं हूँ। आई एम गोइंग टू गो टेक अ शावर एंड देन ईट एंड मेरी फॉलिक एसिड की रिपोर्ट आ गई है विच इज एब्सोल्युटली फाइन। B12 डेफिशिएंसी डेफिनेटली है एंड ये वाला पेन है, दर्द है, व्हाट टू डू, कुछ ना कुछ तो इलाज निकालेंगे इसका। तुम नहाए नहीं हो ना? मैं नहीं नहाया ना? टाल तो ऐसे लेके गए थे अंदर कि बस अगले 1 साल का पूरा तुम कोटा। नहीं, अभी नहाऊंगा बाहर, आई एम ट्राइंग टू सेव वाटर। अच्छा, तो बाहर ही नहा लोगे, बारिश हो रही है तो? बारिश में भीगूंगा फिर वापस आऊंगा तब नहा लूंगा। अच्छा ठीक है, तुम तो दिन में 2 बार नहाने वाले इंसान हो। हाँ, एक बार बारिश में, एक बार घर पे। सही बात है, करेक्ट। मैं नए इंसान हूँ पर देना है। करेक्ट, ठीक है। रुकने चल, इस घर में हमारी इज्जत हुई। बाय। नहाना धोना डन, स्किन केयर डन, नाउ इट्स लंच टाइम। बहुत लेट हो गया आज एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग, स्पेशली इफ यू आर डायबिटिक क्लाइंट, स्टिक टू योर मील टाइम्स एंड योर वर्कआउट टाइम्स, इट विल बी मोर बेनिफिशियल। तो आज खाने में क्या क्या है? मैंने सुबह वैसे ब्रेकफास्ट में ओवरनाइट ओट्स किए थे विद आमंड मिल्क एंड नाउ आई एम हैविंग सम बार्ले, सम पंजाबी स्टाइल सांबर, सम पालक एंड टोफू एंड बेसिक सैलड। सो सैलड तो आप जितना भी खाना है आप खा सकते हो, बट दिस इज़ माई फूड इनटेक फॉर 5 यूनिट्स एंड या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई खाना बिकॉज आई एम ब्लडी हंग्री। Yo, I got 50 Bentleys in the West Indies. It doesn't matter. And you look so funny doing this with a dood ka botal in your hand. It's almond milk. It's almond and not almond. Almond milk. Imagine how were they milking the almonds. Like from the top half or the bottom half. See, this, my look is not complete. Just come. एक गल नहीं निराली नाले बाहर खड़ोती नवी गड्डी मेरी काली चले चले ये दुनिया दे उस मुख रे जिते बंदा ना बंदे दी जात सारी राह बैक तेरिया मैं जुल्फा सवारा लेकिन तू कंडीशनर नहीं कीता तो मेरा बुंदी फंस जाना। ओके, वी आर ऑफ टू कोकोज नाउ। आप कोको से पहले ही मिल चुके हो, दर्द थोड़ा कम हुआ है, आई हैव टेकन स्टीम आल्सो नाउ। और भाई ने डरा दिया मुझे। हाँ। भाई कह रहे पहले जाके एक्सरे करा मुंह का। हाँ, साइनस का कुछ होता है, PNS एक्सरे। ये सर उसके बाद बात करेंगे। तो बात भी नहीं करेगा तेरे भाई जैसे? कैसा भाई है? भाई को पता ही नहीं। लाइट पर I look cuter than you. Obviously, तेरी दाढ़ी नहीं होती।
50 Bentleys in the West Indies. Okay. मैं अपना आर्मी में साथ लेके चलती हूँ ना यहाँ पे वो विजिट फ्रेंड्स क्योंकि फिर कॉफ़ी पीने के लिए मुझे आर्मी मिल की ज़रूरत पड़ती है सो आई डोंट वांट टू इनकन्वीनियंस एनीवन मैं यूजुअली अपना खाना पीना साथ लेके चलती हूँ बस हाइपो के लिए कुछ भी लेना पड़े तो ऊपर जाके ले करो नहीं इसके थोड़ा इंजेक्शन है सोच रहा हूँ हमारी जो गाड़ी I love it. Thank you. For you once. You're looking very pretty. Thank you. Today is school PTA function. Oh, nice. Garba event. Nice. See Garba event. You'll be on our vlog. You don't have a problem with that, right? No problem at all. Okay. We love to see your vlogs. And we also there. Thank you. Thank you. So sweet. बहुत ज्यादा जगह है इस गाड़ी में वेरी कूल ये बस पेट्रोल तो ऐसे पीती है जैसे आप ऐसे दारू पीते हो हाँ शैलेंद्र जी और क्या शैलेंद्र जी को जब भी ड्यूटी फ्री से कभी बोतल मिलती है अगले दिन शैलेंद्र जी के 2 बजे से पहले आते नहीं है ऐसा कभी नहीं हुआ अरे बोल देते अरे फोन खराब हो गया था चार्ज पे नहीं लगा था वो मैं मानती हूँ उनकी बात आदम बाबा के जमाने का फोन यूज करते हैं कोको भैया के घर जाएंगे शैलेंद्र जी मैं सोच रहा हूँ गाड़ी में स्टिकर लगा दें पीछे इराक का पानी कम पियो रानी जो ट्रकों में लिखा होता था ना इराक का पानी कम पियो रानी व्हाट डज दैट इवन मीन कि भी कम पेट्रोल पी ओ इराक का पानी इज पेट्रोल कम पियो रानी इज रानी इज सर ओएमजी रोहित तुम अश्लील लग रहे हो हाथ नीचे कर लो कि मेरे टिटीज दिख रहे हैं इट्स अ टिटी लेटिंग परफॉर्मेंस चलो हम लोग आए थे अभी कोको के घर रोहित जा रहा है हाय कोको से हाय कोको हाय रोहित जा रहा है मैं थोड़ी देर चिल करूंगी और फिर जाऊंगी और अब हम बात करेंगे फोन बूथ देखने के बाद इन डेप्थ डिस्कशन विद द राइटर ऑफ द फिल्म दूसरा भी है उसको भी लेकर आएंगे बाय बाय अरे वाह ऑन कैमरा पपी बाय 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 सी बन चुका है मैंने अपने लिए बनाया है बार्ले इन क्रीमी वेजिटेबल्स रोहित के लिए सांबर पनीर और भिंडी एंड चावल फ्लोकू का चिकन चढ़ चुका है बर्तन धुल चुके हैं अब फ्लोकू की वॉक उसका खाना मेरा खाना रोहित का खाना और उसके बाद एंड ऑफ द डे काफी काम बचा है आज ऑन कर इसके लिए तो उठ भी जाएगा फिर ये रात को ऐसी हरकतें भी करता है ही गॉट मी अ हॉट पैक फॉर माय फेस बिकॉज़ इट वाज हर्टिंग थैंक यू रोहित आई एम अ नाइट पर्सन आई एम अ नाइट राइडर नहीं आई एम अ क्या आई एम अ डार्क नाइट ईटिंग मैकेडेमिया नट्स एंड पीकन्स आई ईट हेल्दी मैरिज